अमित जायसवाल और न्यूज 18 के खास कार्यक्रम चुनावी चुटकी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं खंडवा में। खंडवा का ये एक चौराहा है, आप देख सकते हैं कि आवागमन यहाँ से काफी कुछ हो रहा है। इसी चौराहे पर एक दुकान है चाय की, जहाँ पर लोग चुनावी चर्चा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपको यहाँ से दिखाएंगे कि चाय में किस तरह से उबाल आ रहा है, चाय किस तरह से उगल रही है, और सबसे पहले जो चाय बना रहे हैं उन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या चल रहा है। क्या नाम है आपका? विकास सिंह। क्या चल रहा है अभी? तो चुनावी माहौल है, खंडवा में हो रही है चुनावी चर्चाएं। चर्चाएं तो चल रही है, देखो टिकट किसको देते हो सरकार। क्या लग रहा है इस बार, क्या चर्चाएं चल रही है? चर्चाएं तो रिपीट है कि भाई वापस रिपीट होगा देवधर्मा, अब आगे देखो जो मर्जी हो फिर ऊपर। बिल्कुल, तो ये चाय जो है यहाँ पर उकल रही है और कुछ लोग हैं जो चुनावी चर्चा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपसे जानते हैं क्या कुछ है खंडवा के दिल दिमाग में इस बार चुनाव को लेकर? कुछ नहीं, बस इस बार जनता परिवर्तन चाह रही है, कुछ नहीं, एक अच्छा विकास होना चाहिए खंडवा में और एक अच्छा नेता होना चाहिए जो सबको समझे, सबकी बात को समझे। बिल्कुल, एक अच्छे नेता की दरकार है। युवा भी कुछ नजर आ रहे हैं, युवाओं के नजरिए से अगर देखें तो क्या कुछ आप लोग सोच रहे हैं? चुनावी चर्चाएं चल रही है। देखिए चुनावी चर्चा तो चल रही है और हमने विगत 15 साल से खंडवा का जो विकास नहीं हुआ है वो भी हम देख रहे हैं। अभी तक में कुछ चेंजेस होना चाहिए, कुछ ऐसे उम्मीदवार को किसी भी पार्टी ने उतारना चाहिए जो नगरी विकास के लिए ध्यान दे, रोजगार के ऊपर ध्यान दे और जनता की समस्याओं को निम्न स्तर पे सुलझाने का प्रयत्न करे। बिल्कुल, युवाओं के लिए क्या चाहिए? युवाओं के लिए महत्वपूर्ण ये है कि हर साल एक बहुत सारे युवा कॉलेज करके निकलते हैं, ग्रेजुएशन करके निकलते हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण ये होना चाहिए कि इंडस्ट्री डेवलप होना चाहिए। जैसे रूदी में कई वर्षों से रूदी अवरुद्ध पड़ा हुआ है ना, विकास के नाम पे वहाँ पे जीरो जीरो है। हम ये चाहते हैं कि रूदी को डेवलप किया जाए, यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को बुलाया जाए जिससे यहाँ का युवा बाहर काम पे ना जाया जाए। बिल्कुल, युवा यहाँ से पलायन न करे। क्या नाम है आपका? संतोष पाल। क्या लग रहा है आपको इस बार, क्या चाहते हैं आप? चुनावी चर्चा दिमाग में चल रही है, लोगों के बीच चल रही है? चल रही है ना लोगों के बीच, कुछ भी अच्छा हो और क्या। क्या चाहते हैं आप, क्या विकास चाहते हैं और क्या चाहिए? बिल्कुल, जनता जो है विकास चाहती है। आपका क्या नाम है? नमेश बारे। क्या कर रहे हैं आजकल आप? मैं आम आदमी पार्टी का जिला कार्यालय प्रमुख। अच्छा, आप पार्टी से भी जुड़े हैं, तो किस तरह की जो है चर्चाएं हैं, क्या कुछ खंडवा का माहौल है? खंडवा का माहौल तो देखा जाए तो सब लोग बदलाव चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि कुछ नया हो, कुछ अलग, कुछ नई चीजें मिले। जैसे युवा है उनको रोजगार चाहिए। बिल्कुल, युवाओं को रोजगार चाहिए, मुद्दा काफी चर्चाओं में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ सिंह कुशवाहा। किस बात को लेकर आप जो है बात रखेंगे आज? चुनावी चर्चा चल रही चुकी, चुनावी चर्चा है तो हम अगर हमारे खंडवा शहर की बात करें तो यहाँ पर तो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। अभी जैसे हमारे भाई ने बताया रोजगार की बात होती है, हमारे यहाँ से बहुत सारी इंडस्ट्री पलायन कर चुकी है और आगे हो सकता है कि जो इंडस्ट्रियाँ बची वो भी आगे निकल जाए यहाँ से। इसके बाद हमारे यहाँ पर सड़कों की बहुत जरूरत है। हमारे यहाँ एक पुल बन रहा है जो पिछले 6 साल से बन ही रहा है, पता नहीं कब बन के तैयार होगा, अगले चुनाव तक तैयार हो, तो वो भी अभी तक चीजें बहुत सारी हैं जो बनी नहीं पाई आज तक। और 15 साल से यहाँ पर विधायक भी हैं खंडवा में, भाजपा की सरकार, भाजपा की सरकार और बोला जाता है डबल इंजन की सरकार है। देखिए विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास रुकने का तो नाम नहीं है। जो भी सरकार है, आप अगर कभी 2003 के पहले अगर खंडवा शहर की हालत देखें और 2018 का खंडवा शहर देखें तो कहीं ना कहीं आपको भी शहर की जनता को भी परिवर्तन लगता है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, नीचे में कुछ काम रुके हुए हैं वो भी आने वाले समय में पूरे होंगे। बिल्कुल, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ऐसा कुछ कहना है इनका। सीनियर सिटीजन भी यहाँ मौजूद है। दादा क्या नाम है आपका? आसाराम। क्या हाल है खंडवा के? खंडवा घर से बढ़िया हाल है हमारे का। क्या लग रहा है आपको, चुनाव उनाव को लेकर कोई बातचीत चल रही थी आपके लोगों के बीच में? आपके बीच में कहा जो पार्टी है आ रही मोदी और का। क्या लग रहा है इस बार चुनाव की चर्चाएं हैं खंडवा में? आप वोट देने तो जाते हैं? जाते सर। वोट देंगे इस बार? देंगे। क्या देखेंगे जिसको वोट देंगे उसके, क्या देख कर वोट देंगे इस बार? जनता जो जाएगी अपन
जनता पे नहीं, तो पूरा खेल अपने अकेले से क्या होगा, अपने अकेले किस तरह से जो है विकास कर सकता है और कहाँ अगर पिछड़ा है तो कहाँ पिछड़ा है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पर रोजगार के नाम पर कुछ भी नहीं है, जैसे कि बड़ी बड़ी बातें हुई हैं और आगे भी होंगी कि रोजगार के लिए हम लोगों ने एक ग्रोथ सेंटर बनाया है, रोजगार के लिए करोड़ों का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, हम लोग इन्वेस्टर मीट करवा चुके हैं, मगर हमारे यहाँ पर युवा आज भी बेरोजगार है और युवाओं के लिए यहाँ पर रोजगार की अत्यंत आवश्यकता है और यहाँ पर बड़े उद्योगों की आवश्यकता है जिससे यहाँ पर रोजगार फल फूल सके। आज यहाँ पे एक्सीडेंटल पॉइंट इतने बढ़ गए हैं कि हर दिन ये डर रहता है कि हम सुरक्षित घर पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। कल दो दिन पहले वर्षा ऋतु हुई थी, एक तीन पुलिया यहाँ पे वो दो आधे घंटे में पूर हो गई थी, बड़े ब्रिज पे तीन घंटे का जाम लगा था। ना यहाँ पे अच्छा ब्रिज है, ना यहाँ पे अच्छी पुलिया है, केवल रुपया पैसा स्वीकृत होता है और किसके खाते में जाता है ये जनता नहीं जानती। बिल्कुल, जो विधायक ने वादे किए थे क्या पूरे हुए हैं? नहीं नहीं हुए, बिल्कुल भी नहीं हुए, बस झूठ बोलते हैं वो, तो बस उनका खुद का इम्प्रूवमेंट हो जाता है लेकिन जनता का बिल्कुल भी नहीं होता है। बिल्कुल, तो ये जनता के बीच में हम उनके बात जान रहे थे और चाय पर जो है यहाँ पर चर्चा जो है चुनाव की ज्यादा हो रही है और हर कोई अपने आने वाले जनप्रतिनिधि से ये चाहता है कि खंडवा का विकास हो, खंडवा आगे बढ़े और खंडवा के जो जरूरी मुद्दे हैं उन पर जो आने वाले जनप्रतिनिधि हैं वो हल निकाले। अमित जायसवाल, न्यूज 18 खंडवा। चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, इसके बाद मंडला जिले में भी चुनाव को लेकर जबरदस्त माहौल बना हुआ है। यह है जहां मौजूद है, यह है मंडला जिले का कलेक्ट्रेट रोड जहां पर लोग बड़ी संख्या में चाय पीने के लिए आते हैं और इन दिनों यहां पर सिर्फ चुनाव को लेकर ही चर्चा चल रही है। हमारे साथ यहां पर कुछ युवा वर्ग लोग मौजूद हैं, स्थानीय लोग मौजूद हैं और कुछ नेता भी यहां पर मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि इस अभी क्या माहौल बना हुआ है। सबसे पहले बात युवाओं से, क्या माहौल देखते हैं आप? युवाओं के लिए शासन ने तो बहुत काम किया है और सीखो कमाओ योजना जिस प्रकार से अभी रोजगार उपलब्ध करा रही है, स्टाइपेंड मिल रहा है युवाओं को और उच्च शिक्षा के लिए मेडिकल कॉलेजों का खुलना, इसके साथ ही हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए सीएम राइज स्कूल का खुलना, ये कहीं ना कहीं शिक्षा के लिए शासन का एक सकारात्मक नज़रिया जो है वो हमें दिखाई देता है। आप क्या देखते हैं, इस समय चुनावी माहौल है क्या अंदाजा लगा रहे हैं? चुनावी माहौल ऐसा है कि अगर अपन केंद्र और प्रदेश की बात ना करें तो अपने ज़िले की बात करते हुए मैं समझता हूं कि मंडला विधायक देव सिंह सयाम जी, या नाम भी लेना चाहूंगा मैं, क्योंकि विधायक का नाम लेना, क्योंकि दो दो विधायक हैं, एक तो अपने मार्स कॉलेज जी हैं, अपने एक देव सिंह सयाम जी हैं, लेकिन मंडला विधायक द्वारा मेरे को नहीं समझ में आता कि किसी तरह के कार्य किए गए हों। विधायक पद जो होता है या तो डफली लेकर के दौड़ने वाला होता है मुद्दों पर, प्रदेश सरकार भी तो सुनने को होना, प्रदेश सरकार को भी तो सुनने को होना। आजकल विधायक पद मेरे ख्याल से ऐसा हो गया है कि एक मजबूर व्यक्ति एक जनप्रतिनिधि बन जाता है अपने क्षेत्र का, जो हर कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ करके दौड़ करके काम करवाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा विधायक महोदय का कोई भी काम जो रहा है वो शून्य के बराबर रहा। मैं शून्य नंबर देना चाहूँगा। आप क्या बताना चाहेंगे कि कैसा रहा विधायक का कार्यकाल? मंडला विधायक का भाई, हमें तो कहीं नज़र नहीं आया कि विधायक जी कोई अच्छा काम किए होंगे। हाँ, ये बात सही है कि विधायक जी आते जाते हैं लोगों के पास, सरपंचों के पास, किसी के घरों में बैठते हैं और जहाँ भी संगीत का कार्यक्रम हो, रमाड़ तो पहुँच जाते हैं, गाना बजाना ज़्यादा करते हैं। वो सयाम जी के तो भैया वो है भोले शंकर टाइप, कभी कभी उत्पन्न हो जाते हैं। विकास तो आप लोग देख ही रहे हो, विकास क्या है? विकास यहाँ मतलब केवल जो घोषणाएं होती हैं सरकार से वो ज़मीन तक सही ढंग से नहीं आती हैं। देखिए, विधायक जी एकदम शून्यता की तरफ थे, यहाँ कोई विकास नहीं दिखता है। आप नगरी क्षेत्र में भी देख लिए, नगरी क्षेत्र इस समय क्या जो नगरी प्रशासन है या चुनी हुई जो समिति है या वार्ड पार्षद हैं, ये सब अभी तक के इतिहास में सबसे निष्क्रिय
नगर पालिका की समिति मानी जा रही है। आप कॉलोनियों में जाके देखिए, मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ वो दुर्दशा है। बच्चे ऑटो से गिर जाते हैं, गड्ढों में घुस जाते हैं, कीचड़ मचा हुआ। अनेक बार प्रशासन को जानकारी दी गई है लेकिन उसका कोई निदान नहीं निकला, कोई हल नहीं निकला। सबके आश्वासन मिले हैं और तो और वो यदि हम जिम्मेदार व्यक्तियों के पास जब जाते हैं, सपोज हम अध्यक्ष के पास जाते हैं, तो वो कहता है कि आप लोग हमारी बात नहीं समझते हैं, कानून आप बताते हो, नियम बताते हो। ये अच्छी स्थिति नहीं है। जितनी अपेक्षाएं थी उसके अनुरूप काम लगभग हुए हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं सारे प्रकार की जो सुविधाएं, एक जो मुख्य विषय हमारे जिले के मुख्यालय का चल रहा था, मेडिकल कॉलेज को लेकर एक बड़ा विषय था। वो मेडिकल कॉलेज अभी हमने एक हफ्ते पहले उसका भूमि पूजन किया है माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने। हम ये बता रहे हैं कि अभी पद्मी चौराहा से लेकर मधुपुरी रामनगर रोड, वो बताइए पद्मी चौराहा से सलवार रोड स्वीकृत हुई है। अब वहाँ दूसरे विधानसभा के क्षेत्र जो है नारायणपट्टा, वो अच्छे एक्टिव विधायक होने के कारण वो अपने क्षेत्र में अच्छा काम करा लिए, रोड बन गई उस तरफ। और यहाँ पद्मी चौराहा से इतने लोगों का एक्सीडेंट हुआ है कि उसमें ज्ञापन के ऊपर ज्ञापन यहाँ कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई से लेके, आप लोग भी इस चीज़ को अवगत होंगे कितने लोग परेशान हुए हैं। ये बात सच है साहब, लोग जिसको विकास 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 कहते आ रहे हैं, मैं नहीं समझता कि उसको विकास कहना चाहिए। अगर विकास हुआ होता तो आज की तारीख में भी हमारे सत्ता पक्ष के नेता जनप्रतिनिधि शिलान्यास भूमि पूजन करते ना फिरते। अब मैं पूछना चाहूँगा कि आज जिस निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन हो रहा है वो कब होगा उसका विकास? चुनावी चर्चाओं को लेकर अगर हम बात करें तो लोग सिर्फ विकास के मुद्दे पे ही बात करते हैं कि विकास हुआ है नहीं हुआ है। तो मंडला में अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से तो विधायक पद ही भी ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि जो विधायक ने जहाँ भी काम किया या जो भी उन्होंने घोषणाएं की वो कभी पूरी नहीं हो पाई है। आप ज़्यादा दूर मत जाएँ, झूला पुल के पास से उन्होंने एक रोड सेंक्शन कराई थी, आधी छोड़ के भग गया ठेकेदार। विकास तो हुआ है शिक्षा के स्तर पर, लेकिन विकास की गति बहुत धीमी है। मंडला जिला के बहुत सारे स्कूल हैं जो खंडर हो चुके थे, पर धीरे धीरे उनमें निर्माण का काम हो रहा है। अभी जैसे उत्कृष्ट स्कूल है, वहाँ पर भी बहुत विकास हुआ है। बाकी कॉलेज में नैक की रेटिंग जो है उसमें भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। और जैसे कि युवाओं की मांग थी, विद्यार्थियों की मांग थी आज कॉलेज RDVV कॉलेज में, वहाँ पर भी मूर्ति आ गई है जो कि लगने वाली है। ऐसे विभिन्न शिक्षा के क्षेत्र में काम तो हुए हैं, पर और काम की अपेक्षा रखता है युवा। रोजगार के लिए आप लोग कहाँ जाते हैं? रोजगार के लिए अभी सरकार की योजनाएं हैं रोजगार के लिए, बाकी काम तो हुआ है पर थोड़ी और होना चाहिए। क्या क्या है आप लोग? जैसा कि इन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में भी काम तो हुए हैं, काम की गति मैं मानता हूं कि बहुत कम रही, लेकिन काम हुए हैं। जैसे कि रोजगार के लिए आज युवाओं को सीखो कमाओ योजना, जिसमें रजिस्ट्रेशन करा के आज बच्चे सीख रहे हैं और उनको 8 से 10 हज़ार रुपये दिया भी जा रहा है। उसके बाद अगर उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं भी मिलती है तो एक उनके पास एक अवसर रहता है सीखे हुए कि रोज़गार के लिए, कि वो अपना एक गवर्नमेंट से लोन डाल के खुद का रोज़गार कर सकते हैं। जैसे कि कॉलेज में भी बहुत लंबे समय से एक मांग चल रही थी कि रानी दुर्गावती की मूर्ति कॉलेज में नहीं लग पा रही थी, इस बार विधायक जी के ही प्रयास से अभी कुछ ही दिनों पहले कॉलेज में आ चुकी है रानी दुर्गावती जी की मूर्ति, और बहुत ही जल्दी वो मूर्ति का लोकार्पण भी हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग और युवा, जो कि यहाँ पर जो मंडला का कलेक्ट्रेट रोड है यहाँ पर चाय पर चर्चा कर रहे हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद अपने अपने विचार रख रहे हैं कि किस तरीके से अब चुनाव को देखना है, किस तरीके से मतदान करना है और कैसा इन्हें विधायक चाहिए। कृष्णा साहू, News 18 मंडला।